पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह को उत्तर प्रदेश बीजेपी का प्रभारी नियुक्त किया गया है। ये पद वही पद है जिस पर कभी अमित शाह रहे, कभी जेपी नड्डा, तो कभी ओम माथुर, और इसी पद पर रहते हुए इन सब ने खुद को साबित करके दिखाया। अब यही जिम्मेदारी राधामोहन सिंह को मिली है, जिनके सामने उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव है और फिर उसके बाद 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव भी। ऐसे में संगठन को धार देने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राधामोहन सिंह के कंधे पर है। बीजेपी का लक्ष्य विपक्ष को हर हाल में हराना है। जीत के लिए नए मंत्र से बीजेपी करेगी मुकाबला। राधामोहन के एंट्री बदली बीजेपी की रणनीति। राजनीति हर पल हर क्षण खुद को नए रंग नए रूप में ढालती है, नए अंदाज में सबके सामने आती है। बीजेपी की राजनीति भी नई रणनीति के फेर में यूपी में आई है। एमएलसी चुनाव से पहले नए यूपी प्रभारी के तौर पर राधामोहन सिंह को जिम्मेदारी दी है। किसी ने सोचा नहीं होगा यूपी की जो जिम्मेदारी अमित शाह, जेपी नड्डा और ओम माथुर के कंधे पर थी, वो जिम्मेदारी अब राधामोहन सिंह पर है। जब मैं उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी था तो इलाहाबाद कई बार आने का मौका मिला, और इस बार जो अभी जो आना हुआ मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में स्नातक और शिक्षक क्षेत्र में एमएलसी का चुनाव होना, और भारतीय जनता पार्टी हमारा संगठन सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये हमारी प्रतिबद्धता है। तो जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, तो पहली बार पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, एक जगह हम समर्थन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए ही सिर्फ तैयारी नहीं करती, हमारा काम कार्यकर्ताओं के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से समाज की सेवा करना भी है। तो ये हम हरदिश करते हैं, 12 महीना करते हैं। कुछ पार्टियां जरूर है देश में, ये अधिकतर पार्टियां जो चुनाव आने पर ही कुछ करती हैं, लेकिन बीजेपी में अन्य पार्टियों में अंतर। पूर्व केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह के सामने चुनौतियां कई सारी होंगी। क्या उनके रहते बीजेपी फिर 2017 के जैसा प्रदर्शन दोहरा पाएगी? राधामोहन सिंह के सामने बीजेपी को दोबारा सत्ता में वापसी कराने की भी चुनौती होगी। बहरहाल यूपी बीजेपी नए प्रभारी राधामोहन सिंह स्वागत की रस्म अदायगी के साथ ही अपने काम से यूपी में अपनी पारी की शुरुआत कर चुके हैं। प्रयागराज में राधामोहन ने बैठक कर एमएलसी की सीटों को हर हाल में जीतने का संकल्प कार्यकर्ताओं को दिलाया। राधामोहन ने ये संदेश भी दिया कि संगठन के कामकाज पहले बाकी सब बाद में। वैसे ये बैठक संदेश है कि उनकी रणनीति से विपक्ष सावधान हो जाए। शोर शराबे और आडंबर से दूर, स्वागत से दूर उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राधामोहन सिंह जी का आज से उत्तर प्रदेश में बैठकों का अभियान शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले स्नातक और शिक्षक एमएलसी के चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में आज राधामोहन सिंह जी प्रयागराज में कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। कल काशी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है, उसके बाद मुरादाबाद में वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके 2014 से उत्तर प्रदेश में अहर्निश जारी भारतीय जनता पार्टी की विजय रथ यात्रा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लगातार सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध वह सड़कों पर रहे हैं, और हम जन कल्याण से सरोकार रखते हैं, सामाजिक सरोकार से हम प्यार करते हैं, और हम कांग्रेस पार्टी उसी रास्ते पर चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी है कि जो सत्ता के लिए 24 घंटे पूरे वर्ष हर समय चुनावी मोड में रहती है। चुनाव के अतिरिक्त उसका इस देश के अंदर कोई लक्ष्य नहीं है, जन कल्याण उसके एजेंडे में नहीं है, आम आदमी उसके एजेंडे में नहीं है। सत्ता में किस तरीके से काबिज रहा जाए, अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस देश के लिए समर्पित पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन मशीन बन चुकी है, एक इलेक्शन के बाद दूसरा इलेक्शन, फिर तीसरा इलेक्शन। क्या जनहित के काम कब होंगे, विकास के काम कब होंगे? तो जो विपक्ष है, हमारी प्राथमिकता विकास कार्यों की है, और हम जनता के बीच जाकर विकास कार्यों की बात करते हैं, सरकार की जो असफलता है उसकी बात करते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ आ रहे हैं, महंगाई के इश्यूज़ हैं, बेरोजगारी के इश्यूज़ हैं, ये हम जनता में उठाते हैं, और हम कहीं ना कहीं जो जनहित के कार्य हैं
उनकी बात जनता के बीच पर करते हैं, लेकिन इसका उल्टे अगर भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन लड़ने वाली मशीन बन चुकी है। राधा मोहन आधा दर्जन से ज्यादा सभाएं कर पहले यूपी के हर बूथ के सियासी समीकरणों को समझेंगे, साथ ही MLC चुनाव के गुणा गणित को सुलझाने की भी चुनौती होगी। उत्तर प्रदेश भाजपा के नए प्रभारी बने राधा मोहन सिंह ने स्वागत समारोह से इतर हटकर अपनी नई पारी की शुरुआत अपने काम से की है। दरअसल राधा मोहन सिंह आज पहली बार प्रभारी बनने के बाद उत्तर प्रदेश पहुंचे और यहां पर प्रयागराज में उन्होंने बैठक की। यही नहीं, राधा मोहन सिंह की आधा दर्जन से ज्यादा बैठकें उत्तर प्रदेश के तमाम MLC चुनाव क्षेत्रों में तय की गई हैं। राधा मोहन सिंह के इस काम से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में यह चर्चा जरूर है कि भाजपा में काम करके दिखाना होगा और अब किसी तरीके से रस्म अदायगी नहीं चलेगी। कैमरामैन अमीश के साथ संकेत मिश्रा, R9 TV लखनऊ।